विदिशा जिले के कुरवई नगर में आवारा मवेशियों से परेशान होकर किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी गोपाल वर्मा से शिकायत की, तो अनुविभागीय अधिकारी ने सभी किसानों से चर्चा कर एक अस्थायी गौशाला की बात कही। इस पर सभी किसान राजी हो गए। इस पर प्रशासन द्वारा अस्थायी गौशाला के लिए जमीन की व्यवस्था की गई और नगर परिषद के सहयोग से उस जमीन का तार फेंसिंग और मवेशियों को पीने के लिए पानी की टंकी का निर्माण किया गया। पानी की टंकी के भरने की जिम्मेदारी नगर परिषद को सौंपी गई। किसानों द्वारा आमजन के सहयोग से मवेशियों के चारे, लाइट और ठंड से बचने की व्यवस्था की जा रही है। जब इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी गोपाल वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि कुरवाई और आसपास का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर आवारा मवेशियों की वजह से काफ़ी परेशान किसान हैं। उन्होंने मुझे ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया तो मैंने किसानों से चर्चा कर एक समिति बनाई। समिति में किसानों की हुई सदस्य बनाया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 40-50 गायों का झुंड किसी भी खेत में घुस जाता है तो रात भर में कम से कम 5 बीघा की फसल नष्ट कर देता है। इस अस्थायी गौशाला से किसानों को काफ़ी राहत होगी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। इसमें सभी किसानों का सहयोग है, प्रशासन का सहयोग है, सारे विभागों का सहयोग है, सारी कुरवाई नगरी का सहयोग है। इसमें अस्थायी गौशाला व्यवस्था बनाई है ये अपन ने। किसान रात रात भर जग के खेतों पर ढोर भगा रहे थे, भग नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए प्रशासन सहयोग से और किसानों के सहयोग से ये अस्थायी व्यवस्था बनाई है। प्रशासन ने इसमें बाउंड्री वॉल कराई है, ये पानी की व्यवस्था कर रही है प्रशासन, और जो भी समस्या आती है प्रशासन व्यवस्था करती है कोई किसी भी तरह की। जानवरों की चारे की व्यवस्था किसान करते सारा, चंदा करके सारे किसान व्यवस्था कर रहे हैं। बस्ती का सहयोग इसमें कुछ लोगों का है। प्रशासन की व्यवस्था हो रही है कि उनका उपचार हो रहा है, डॉक्टर आके इलाज करते हैं। सारे जानवरों पर टैग लग गए हैं कानों में, उनकी पहचान हो गई है ये आवारा हैं, और लगभग प्रशासन काम कर रहा है इस चीज़ पे। इलाज के लिए डॉक्टर आता है, सब व्यवस्थाएँ निकल जाती हैं तो वो रात भर में लगभग जगह जगह चरती है, लेकिन डेंसिटी में यदि देखा जाए तो 5 बीघा क्षेत्र वो नष्ट कर देती है। 5 बीघा में जितना गेहूं पैदा होना होता है और 5 बीघा में होता है 50 क्विंटल। अब इस तरह से 200 गायों का था, यानी 200 बोरा रोज़ हमारे कुरवाई का नष्ट हो रहा था यदि ये गायें आवारा घूमती रहती थी। तो एक दिन में यदि 200 बोरा हो रहा है तो पूरे 60-70 दिन अभी ये गेहूँ का नुकसान करती। तो ये सब दृष्टिकोण रखते हुए एक इकोनॉमिक बचत हो, किसान की बचत हो, देश के उत्पादन में वृद्धि हो, इस दृष्टिकोण से ये गायों को एक इकट्ठा करने का प्रयास हमने किया है। ये हमारा जो कुरवाई क्षेत्र है ये कृषक प्रधान और कृषि प्रधान क्षेत्र है, और इस समय गेहूं की बोनी हो चुकी है, उसके अलावा दूसरी जो रबी फसलें हैं उनकी भी बोनी हो चुकी है। और ये आवारा जो गायें घूमती रहती हैं ये निरंतर फसलों को नुकसान कर रही थी, तो कृषकों ने मुझे ज्ञापन दिया कि अब इन गायों से कुछ हमें मुक्ति दिलाई जाए क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में जाकर के नुकसान करती है। तो वहीं से एक शुरुआत हुई, से बातचीत करके एक समिति बनाई गई है, हमारे कृषकों की समिति है वो, और एक स्थान का चयन करके जो ऐसी आवारा गायें हैं उनको वहाँ पर रखा गया है, उनके खाने पीने पानी का इंतज़ाम और ठंड से बचाव आदि के इंतज़ाम वहाँ पर किए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और वो समिति उनकी देखरेख करती है। प्रशासन द्वारा क्या सहयोग किया गया? वहाँ पर हमने जमीन उपलब्ध करा दी उनको, और फेंसिंग नगरपालिका के द्वारा करवा दी, पानी की टंकी नगरपालिका के द्वारा वहाँ बनवा दी है। नगरपालिका पानी का वहाँ पर जो है प्रतिदिन भराव कर देती है पीने के लिए, प्रकाश की व्यवस्था वहाँ कराई है, और बाकी दूसरी जो भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से होना चाहिए वो सब देख करके करते हैं। चारे की व्यवस्था समिति अपने स्तर से करती है, उनको पशुओं को चारा खिलाती है। अभी चूँकि ठंड का दिन है तो उनको गुड़, अजवाइन, सरसों का तेल, इसका भी खिलाने पिलाने का इंतजाम वहाँ पर किया जा रहा है, तो ये जन सहयोग से हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।